फाइनली दोस्तों रियल क्रिकेट 24 का न्यू पैच अपडेट आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, रियल क्रिकेट 24 का न्यू पैच अपडेट। भाई साहब, ये कोई भी मैं आपको व्यूज के लालच में फेक वीडियो नहीं बना रहा हूँ, एक्चुअली में गाइस रियल क्रिकेट 24 का न्यू, आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और दोस्तों, ये फेक तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको विद ऑफिशियल प्रूफ बताने वाला हूँ कि ये गेम कब आने वाला है, मतलब कब आने वाला है, और कैसे आप लोगों को ये मिलने वाला है, और कहाँ देखने को मिलेगा, कौन बना रहा है, सारा कुछ आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक गुड न्यूज दे देता हूँ कि इसका काम ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, मतलब कि बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। बाकी वीडियो में मैं आपको आगे डेट बताई दूंगा कि कब आने वाला है। लेकिन दोस्तों, अभी तक मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा था इस गेम के बारे में क्योंकि दोस्तों, अगर हो सकता था कि कुछ लास्ट में प्रॉब्लम आ जाता तो आप लोग सोचते कि भाई तू व्यूज के लालच में फेक वीडियो बना रहा था उस टाइम पर। दोस्तों, इसलिए मैंने आपको पहले नहीं बताया था कि इसका मैं वगैरह क्रिएट कर रहा हूँ या फिर हम लोग बना रहे हैं। बाकी दोस्तों, सब कुछ काम कंप्लीट हो चुका है, अब बस फिनिशिंग टच देना बाकी है एंड आई जाएगा कुछ दिनों के अंदर। बाकी अब चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। सो वीडियो पर नए हो तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो लेट्स बिगिन। ओके, तो इस गेम के अंदर सबसे पहले आप लोगों को जितने भी स्टेडियम्स के एड बोर्ड एंड बैनर्स वगैरह है वो सारे के सारे चेंज कर दिए गए हैं एंड साइड में आप लोगों को एक नेम देखने को मिलेगा, दिस इज अमेजिंग। आप लोग खुद अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे प्रूफ के तौर पर। एंड दोस्तों, इसके अंदर आप लोगों को सारे की सारे इंटरनेशनल टीम्स की T20 वर्ल्ड कप 2024 वाली जर्सीज देखने को मिल जाएंगी एंड स्टेडियम की थोड़ी बाउंड्रीज को छोटा कर दिया गया है, मतलब कि स्टेडियम्स को कस्टमाइज करा गया है एंड बाकी दोस्तों देखने में काफी ज्यादा कूल एंड ऑसम लग रहा है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों को ये कैसा लग रहा है, मतलब कैसा देखने को लग रहा है। तो यही सब आपको इस गेम के अंदर देखने को मिलने वाले हैं, मतलब कि एक चीज तो यही है कि इसके अंदर आप लोगों को न्यू जर्सीज एंड स्टेडियम को थोड़ा बहुत कस्टमाइज करके इसके अंदर जो बैनर्स एंड एडवर्ड वगैरह है वो उनको चेंज कर दिया गया है, बस इतना किया गया है, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि ये गेम आपको कब तक देखने को मिलने वाला है, मतलब कि ये कब तक आप लोगों को मिलने वाला है। तो दोस्तों, इसका ट्रेलर आप लोगों को 7 तारीख को देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यही 7 तारीख जो 7 सितंबर आने वाली है उसी 7 तारीख को देखने को मिलने वाला है। और जो इस गेम को बना रहे हैं उनके चैनल का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाएगा, तो फटाफट से जाके उनके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि भाई बहुत मेहनत लगा इसको बनाने में। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये गेम कब आने वाला है। तो ये गेम आने वाला है 15 सितंबर को। लेकिन मैंने अपने टेलीग्राम पर एक पोस्ट डाला है जिसपे अगर आप लोग 500 रिएक्शन करवा देते हो तो आप लोगों को ये मैं 15 से पहले ही दे दूंगा, मतलब 15 सितंबर से पहले ही मैं आप लोगों को इसका अपडेट दे दूंगा। तो फटाफट से गाइस मेरे टेलीग्राम पर जाओ एंड 500 रिएक्शन करवाने में मेरी मदद करो। बाकी गाइस ये आपके ऊपर है कि आप लोग कितनी जल्दी इसके अंदर 500 रिएक्शन करवा देते हो। किसी भी यहाँ पर इमोजी पर आप लोग 500 रिएक्शन करवा देना, बाकी आपके ऊपर है। आप क्या बोल रहा हूँ यार मैं, मतलब आपके ऊपर है कि आप लोग कब तक इसको करवा देते हो। होपफुली गाइस कि आपको वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके जाना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा।